आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है और वह लोक भलाई और समाज की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं, और वो नाम है पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन संतराम शर्मा का। यदि प्रसिद्ध समाज सेवी संतराम शर्मा कोई भी समाज के लोक भलाई के काम करें तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी मच जाती है और उनमें डर समा जाता है। कालका हल्के में व्हाइट हाउस केंद्र के नाम से प्रसिद्धि पा चुके समाज सेवी संतराम शर्मा को क्या हल्के की जनता विधानसभा चुनावों में खड़ा कर कालका विधायक के रूप में देखना चाहती है? शर्मा जी, ये बताइए, क्या आपको जनता विधानसभा चुनाव में खड़ा कर विधायक के रूप में देखना चाह रही है? नहीं, एमएलए का लक्षण, एमएलए तो बहुत बड़ी चीज है। एमएलए को आपने क्या, एमएलए का जो पद है इसकी बड़ी गरिमा है। और ये जो है, आप और मैं अगर कहें कि एमएलए का लक्षण, ये हम थोड़ा इसको हम अपने आप या आप थोड़ा बना सकते हो। एमएलए तो बहुत बड़ी चीज है। एमएलए जो है, भगवान के बाद एमएलए का ही रोल होता है। क्यों? एमएलए सरकार होती है, एमएलए तो जो मर्जी कर सकता है। हम तो बहुत छोटे से आदमी है, हम तो जो है लोगों की सेवा 15 साल से कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही, जितना भी मेरे में कैपेसिटी है, जितने लायक मैं हूँ, मैं करता रहता हूँ। और भलाई के काम ये नहीं है कि भी हम अभी शुरू करे हैं, पिछले 15 साल से कर रहे हैं। और जो एमएलए की बात आप बार बार करते हो ना, ये तो अपने आप नहीं कोई बन सकता, ये तो लोगों की मंशा होती है। लोग जिसको चाहें वो बन सकता है एमएलए। और राजनीतिक पार्टियां जो, वो हमारी तरफ देखना भी नहीं चाहती, वो तो अपने जो राजनीतिक लोग हैं उनकी पार्टियां हैं, वो तो उनको टिकट देती हैं, चाहे वो बाहर से आए कोई, चाहे कहीं से आए। राजनीतिक पार्टी जो है ये नहीं देखती कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है। राजनीतिक पार्टी अपने हित के लिए जो है उस आदमी को चूज करती है जो पार्टी के भी काम आए, वो ये नहीं देखती कि लोगों के काम आए। एमएलए आपने देखा होगा, वो पार्टी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कम काम करते हैं। तो जनता जो है, जनता जिसको कालका क्षेत्र की लोग जिसको एमएलए देखना चाहते हैं वही बनेगा। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैं तो छोटा रह के ही ये जो है सेवा, जितनी मेरे से हो सकती है, जितना मेरा जीवन बचा है, मैं तो उसी में लगाना चाहता हूँ। और मैं एक और आपको बताऊं, पिछले दिनों चंद्रमोहन जी ने एक बयान दिया था, ये कि एमएलए का टिकट कोई बस का टिकट थोड़ा है। तो हमारे पास तो बस का टिकट भी नहीं है, आप एमएलए की बात कर रहे हो, हमें तो लोग बस का टिकट भी नहीं देना चाहते। एमएलए वाली तो बात बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत दूर की बात है। मतलब ये जो है, यहाँ रह के भी हम जो सेवा कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे। और एमएलए की जो आप लोग चाहते हैं, एमएलए तो वही बनेगा, क्योंकि ये जो एमएलए बनना है इस, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो बड़ी बात है। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, और पब्लिक की ऐसे ही सेवा करते रहें वही अच्छा है। शर्मा जी, कालका हलके को अक्सर बिकाऊ हलके के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ अक्सर पार्टी अपने उम्मीदवार को पैराशूट से उतारती है और लोग उन्हें सिर माथे पर भी बिठा देते हैं और जिताकर विधानसभा में भी भेज देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बकाऊ धब्बा जो लगा हुआ आप कह रहे हो, ऐसा नहीं है, मेरे को तो कहीं लगता नहीं है। आप पीछे इलेक्शन हुआ था, आपके सामने ही है, यहाँ लोगों ने पैसे के दम पे इलेक्शन को जीतना चाहा, लेकिन पैसे के दम पे तो नहीं जीता। जो जिस पार्टी का ज़्यादा था, भी ज़्यादा जिस पार्टी की हवा थी वही बना है, और ये धब्बा तो नहीं है। और कालका के लोगों को आप इतना वो ना समझें कि ये नादान है या ये यतीम खाना है, ऐसा नहीं है। कालका के लोग अब जो है पहले से ज़्यादा जागरूक हैं, और लोग सब समझ रहे हैं। हमारे शहरों में ये हवा है कि भी हम जो है इस बार कोई स्थानीय व्यक्ति को जो है एमएलए देखना चाहते हैं, ऐसा लोगों में काफ़ी व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, काफ़ी मीडिया में भी ये बात चल रही है। ऐसी बात तो नहीं है, इस बार आपको कुछ नया नज़र आने वाला है, मेरे को लग रहा है। शर्मा जी, अक्सर देखा गया है कि कालका हलके के हितों के बारे में कोई बात नहीं करता है, सब अपना मतलब निकालते हैं और हलके की जनता हर बार अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। आखिरकार कब तक कालका हलके के लोग बाहरी लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजते रहेंगे? क्या आने वाले विधानसभा में कुछ बदलाव आएंगे? नहीं, ऐसा है, देखो, भगवान ने जो सिस्टम बनाया है परिवार का,
तो हर एक आदमी की ये ड्यूटी भी बनती है कि भी वो अपने परिवार का पालन पोषण करे, तो उसके लिए बिजनेस करना भी जरूरी है, उसके लिए बिजनेस भी करना जरूरी है, नौकरी भी करनी जरूरी है। ये तो लोगों को देखना चाहिए ना कि भी उनके पास जो पावर आई है वो लोगों की दी हुई पावर है, और जो पावर किसी को देता है उसके हित की बात ज़्यादा सोचनी चाहिए। और जब आदमी किसी स्थिति पे पहुंच जाता है ना, तो फिर काम जो है बड़ा सोच समझ के उसी तरीके से करना पड़ता है, नियमानुसार चलना पड़ता है। सरकार के अब देखना पड़ेगा, लोगों को जो बनते हैं MLA उनको पार्टी के हित भी देखने पड़ते हैं। तो बिजनेस तो ज़रूरी भी है, लेकिन जिसने आपको कुछ बनाया है, जिसने आपको किसी स्थिति पे पहुँचाया है, जो आपको किसी कुर्सी पे बैठाता है, पब्लिक जनता जो जिसको बनाती है, उसमें सबसे पहले तो अपने परिवार को भी छोड़ देना चाहिए आदमी को। और आप देख रहे होंगे कि भी मैं जो है मैंने बिजनेस किया है, यहाँ मैंने नौकरी भी करी है, बिजनेस भी किया है, और अब मैं जो है फ्री हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि मैं लोगों के काम आऊँ, और मेरे पास जितनी हैसियत है मैं उस हिसाब से जनता के काम कर सकूँ, लोगों के भलाई के काम, चाहे वो कहीं भी किसी भी तरह का हो, शमशान घाट का काम हो, किसी मंदिर का काम हो, या कोई ऐसे कोई आपदा आ जाए उस टाइप का कोई काम हो, तो मैं जो है लोगों को जो है रोज़गार की बात हो उसमें जितना भी मेरे से बन पाएगा मैं तो ये कोशिश करूँगा। उसके लिए कोई ये नहीं है कि भी बंदे को इलेक्शन लड़ना कोई ज़रूरी है, बिना इलेक्शन लड़े भी बात बन सकती है। इलेक्शन तो वही आदमी लड़ेगा, वही जीतेगा जिसको लोग चाहेंगे। हम तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हम इस लेवल के बंदे नहीं हैं कि हमें कोई MLA बनाएगा, क्योंकि हम अभी इस लाइन में नहीं हैं। और राजनीतिक पार्टियाँ नहीं चाहेंगी, राजनीतिक पार्टियाँ आप देख लेना, आप इतिहास देख लेना, जो बंदा काम करता है पब्लिक के लिए उसको कम बनाते हैं, जो पार्टी के लिए काम करता है उसको ज़्यादा बनाती हैं पार्टियाँ। शर्मा जी, ये बताइए, इस बार विधानसभा के चुनाव में बाहरी उम्मीदवार या कहें पैराशूट उम्मीदवार को कालका हल्के की जनता वोट डालेगी, या फिर इसका कोई विरोध भी हो सकता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है, जो कालका क्षेत्र के वासी नहीं हैं, जिनकी यहाँ वोट नहीं है, जिनका यहाँ कारोबार नहीं है, जिनका यहाँ घर नहीं है, और जो पब्लिक के बीच में नहीं है ना, वो जानते हैं गली कुचों को नहीं जानते, कहाँ कौन आदमी रहता है, कहाँ क्या बना हुआ है, भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते, जो लोग अगर वो इलेक्शन में पार्टियाँ उन कैंडिडेटों को उतारने की कोशिश करेंगी इस बार, तो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है इस बार कि कालका क्षेत्र में बहुत विरोध होगा इस बार। और ये भी हो सकता है कि कहीं जैसे आज किसी पार्टी का जोर है, अगर उन्होंने कोई कैंडिडेट ऐसा उतार दिया जो इस कालका क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को ना जानता हो, और जिसका यहाँ कोई वोट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई उसका राशन कार्ड नहीं यहाँ का, कोई उसके जगह नहीं है यहाँ, कोई मकान नहीं है उसका, तो उसका बड़ा भारी विरोध होगा इस बार। ये आप देखेंगे आने वाले समय में, ये बहुत जल्दी आपके सामने नतीजे आने वाले हैं। और आप जाओगे पहले तो शहरों में था कि भी हम बाहरी कैंडिडेट का विरोध करेंगे, अब गाँव में भी लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? कि लोगों ने देख लिया है, लोग जो हैं भुगत चुके हैं काफ़ी समय से, 25-30 साल से लोग देख रहे हैं कि जो पावर आती है, पावर जो है मिसयूज हो रही है, क्योंकि लोगों के काम उस तरीके से हो नहीं रहे, लोग अपने MLA लोगों को पहचानता नहीं, जो बाहर का होता है वो पहचानने में ही 5 साल लग जाते हैं। अब आप देखो ना, डिग्री होती है 4 साल की, गवर्नमेंट ने क्यों रखी है? वो इसलिए रखी है ना कि 4 साल में आप उस लाइन में जिसमें डिग्री कर रहे हो आप निपुण हो जाते हो। अब यहाँ 10 दिन पहले इलेक्शन से कोई बंदा आता है, उसको पता नहीं लगता इतना एरिया का। तो पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए इस बार, अगर पार्टियों ने ये ध्यान ना रखा तो लोग इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे इस बार, वो पार्टियों का ध्यान रखेंगे इस बार, लोग जो हैं इस बार पार्टियों का ध्यान रखेंगे। अगर पार्टियों ने कालका क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का ध्यान ना रखा तो पार्टियों का ध्यान इस बार कालका क्षेत्र के लोग रखने वाले हैं। मेरी सोच भी है, और हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, और बड़ी इस बात की चर्चा है इस बार।
ये थे कालका क्षेत्र के सुप्रसिद्ध समाज सेवी संत राम शर्मा, जिन्हें हल्के के लोग और बच्चे भी भली भांति से जानते और पहचानते भी हैं, क्योंकि समाज सेवी संत राम शर्मा पिछले 15 सालों से लोगों की भलाई और सामाजिक कार्यों में निस्वार्थ सेवा देते आ रहे हैं। और उनका मानना यह है कि जरूरी नहीं है कि विधायक बनकर ही कालका क्षेत्र की सेवा की जा सकती है, बल्कि बिना विधायक बने भी लोगों के बीच रहकर समाज के कार्यों को किया जा सकता है। समाज सेवी संत राम शर्मा का कहना है कि कालका हल्के की जनता इस बार विधानसभा के चुनाव में ऐसे उम्मीदवार को चुने जो कालका लोगों के हितों और विकास कार्यों को करवा सके, न कि सिर्फ अपनी पार्टी का ध्यान रखे। दूसरी ओर अब देखना यह होगा कि क्या कालका हल्के के लोग जागरूक हो चुके हैं। कौन होगा कालका हल्के का अगला विधायक जो अपनी पार्टी के हितों की ना सोचकर सिर्फ कालका हल्के की जनता के बारे में सोचे। जनता अपना लोकल उम्मीदवार चुनेगी या भारी पैराशूट को कबूल करेगी, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।